वेलकम टू लर्निंग लोकस। यह इंग्लिश का लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही होने वाला है। इडियम्स एंड फ्रेजेस 10 होंगे और साथ में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर होगा। तो शुरू करते हुए सबसे पहला फ्रेज है एट डिस्क्रेशन। इसको पढ़ते हैं डिस्क्रेशन, डी आई एस को डिस एक बार में और फिर क्रेशन, सी आर ई टी आई वन, क्रेशन, डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है क्रेशन, इसका मतलब होता है विवेक, इसका मतलब होता है स्वनिर्णय, विवेक। और एट डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक पर, विवेक पर। तो इसका मीनिंग फ्रेज के रूप में जो होगा, एक तो नॉर्मल मीनिंग हुआ विवेकाधीन, विवेक पर चाहे विवेकाधीन, और दूसरा होगा बेशर्त। जब कोई कोई नक्सलिस्ट, कोई नक्सलवादी कुछ सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो कुछ शर्त रख देते हैं कि ऐसा होगा तभी सरेंडर करेंगे, और कभी बोलते हैं कि नहीं कोई शर्त नहीं है, हम सरेंडर कर रहे हैं। तो जब बिना किसी शर्त के सरेंडर करते हैं तो उसे कहते हैं एट डिस्क्रेशन, और यही है इसका मतलब बेशर्त, एट डिस्क्रेशन, बिना किसी शर्त का। दो कंट्रीज अगर फाइटिंग करते हैं तो वहाँ पे उसमें से एक कभी बोल देता है कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ बिना किसी शर्त का, तो इसे बोलते हैं एट डिस्क्रेशन, मतलब खुद के विवेक के आधार पर उसने निर्णय ले लिया कि हम नहीं लड़ेंगे कुछ दिन के लिए, उसे कहते हैं डिस्क्रेशन, एट डिस्क्रेशन मतलब बेशर्त। नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन लाइन्स। रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब लाइन्स के बीच रीड करना। सपोज ये दो लाइन्स हैं, इसका हिंदी दो हिंदी है, एक है बाल का खाल निकालना जिसे हम थोड़ा सा निगेटिव मान लेते हैं, और दूसरा है गूढ़ अर्थ समझाना। गूढ़ का मतलब होता है गुप्त, गुप्त अर्थ समझाना, इसे थोड़ा पॉजिटिव मान लेते हैं जो दूसरा मीनिंग है। सो रीड बिटवीन लाइन्स, मान लीजिए दो लाइन्स हैं यहीं पे, तो अगर आपको कहा जाए कि दो लाइंस के बारे में क्या समझ रहे हैं आप, तो जो पढ़ने वाला जिनको पढ़ाई पे ध्यान होगा उनको यही दिख रहा होगा, एक एट डिस्क्रेशन है जिसका हिंदी लिखा है, दूसरा रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन लाइंस है ये दिख रहा है इसका हिंदी भी। कुछ बोलेंगे तो दोनों रेड रेड का कर दिया, बेकार सा लग रहा है, कोई और कलर करना चाहिए था, मतलब निगेटिव सोचेंगे, जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं, जो इसमें नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान, तो इसे कहेंगे बाल का खाल निकलना एक तरह से। दूसरा बोलेंगे कि ठीक है, जो एक लिखा हुआ है उसका कलर सेम है, दूसरा लिखा है उसका भी कलर सेम है, समझना आसान है, जितना बड़ा हो सकता उतना बड़ा करके दिया गया है, तो मतलब वो अच्छा कहेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे जो नहीं दिख रहा है उसको उसका अर्थ समझाना, गुप्त अर्थ समझाना, इसे बोलते हैं रीड बिटवीन लाइन्स, मतलब जो लिखा है उसके अतिरिक्त जो बातें हैं वो सब समझाना बोलते हैं रीड बिटवीन लाइन्स। नाउ कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता। निर्दयता इसका मतलब होता है मतलब क्रूरता, इसका क्रूरता भी कहें तो भी सही है। देखिए कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, जब हम गुस्सा में होते हैं तो हमारा खून का टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, हम बोलते भी हैं कि हमारा खून गर्म हो गया है, दूर रहो मेरे से, ऐसा कुछ कह देते हैं जब आप गुस्से में रहते हैं तो। लेकिन इसका मतलब है कि जब कोई गुस्सा में है तो उसके ब्लड का टेम्परेचर अधिक है, तो उस वक्त अगर वो करता है मर्डर, मर्डर तो कैसे भी सही नहीं है, उस वक्त मर्डर करता है तो उसे मर्डर कहेंगे। लेकिन कोई कोल्ड ब्लड है मतलब बिना गुस्से का ही सामान्य प्रवृत्ति में है, उस वक्त मर्डर कर देता है, मतलब वो क्या है, क्रूर है। तो जो गुस्सा में आकर मर्डर कर रहा है वो कम क्रूर है, और जो कोल्ड ब्लड वाला है वह कर रहा है मतलब मर्डर करना उसका हॉबी है, नेचर है, और इसको कहते हैं निर्दयता। क्योंकि गुस्सा वाले को तो वो गुस्सा में उसने निकाल दिया, उसको मुंह लगा या नहीं लगा वो समझ में नहीं आया, बाद में उसको अफसोस होगा, लेकिन कोल्ड ब्लड वाले को कभी अफसोस नहीं होगा, इसे कहेंगे कोल्ड ब्लड मीन्स निर्दयता या क्रूरता। नेक्स्ट वन थोर्न ऑफ साइड। थोर्न का मतलब होता है कांटा और साइड का मतलब पक्ष, मतलब पक्ष का कांटा, पक्ष का कांटा, पक्ष का कांटा मतलब सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं, दो टीम है, एक टीम ए एक टीम बी। टीम ए में एक ऐसा प्लेयर है एक्स
जो बॉलिंग करने जा रहे हैं बहुत सारे रन्स दे दे रहा है, तो जितना सब कुछ बैलेंस है खराब हो जाए, जब भी जा रहा है सब बहुत सारा रन दे दे रहा है, सारा बैलेंस खराब हो रहा है, मतलब पक्ष का कांटा है एक्स, जितना जैसा खेलना चाहिए सब खेल रहे हैं लेकिन एक आकर सब खराब कर दे रहा है गेम को ही। सो थोन ऑफ साइड कहेंगे, और हिंदी इसकी होती है जी जंजाल, जी का जंजाल। थोड़ा सा ये कम यूज होता है वो सब जो वर्ड्स हैं, इसका समान मीनिंग है कष्ट देने वाला। नेक्स्ट वन इज स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट। देखिए जब भी रैट, रैट आप जानते हैं जब हमारे हाउसेस में होता है तो जब मरता है तो हमें दिखता नहीं, लेकिन जब वो स्मेल करने लगता है तब हम कहते हैं कि कोई चूहा मर गया है। तो इसका मतलब यही है कि चूहा के मरने को का अंदाजा हम उसके स्मेल से लगाते हैं, स्मेल अ रैट, उस चूहा के मरने के अंदर उसके स्मेल से लगाते हैं, स्मेल मीन्स दुर्गंध। तो इससे बना हुआ है हमारे लिए आशंका होना, स्मेल अ रैट मतलब एक रैट महकना मतलब आशंका होना। नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, द लॉन्ग मतलब जानते हैं लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट की हिंदी होती है सारांश, और सारांश के लिए इतना एक छोटा सा शब्द भी है वो है जिस्ट, GIST, जिस्ट मतलब सारांश। तो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट जो वर्ड है इस मतलब जिस्ट मतलब सारांश, तो आप इसको यूज कर सकते हैं जिस्ट भी, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा द लॉन्ग एंड द शॉर्ट समझ, देख लीजिए कि लॉन्ग के पहले भी द है और शॉर्ट के पहले भी द है, दोनों पर द है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट का मतलब होगा सारांश, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो तीथ का मतलब दांत दिखाना है ना, दांतों को दिखाना, मतलब कोई डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जा रहे हैं, और कभी कभी आप देखते भी हैं जब कोई काम हमसे होता नहीं है तो उस वक्त भी हम हंसने लगते हैं तो लोग बोलते हैं दांत दिखा रहे हो, वह भी मीनिंग नहीं है इसका। मीनिंग कहाँ पे है, तो जब आप पूरी ताकत लगाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी वस्तु को उठाने के लिए ही, तो उस वक्त आपके ऊपर और नीचे के दोनों दांत एक साथ आते हैं, वह एक साथ मिल जाते हैं, और फिर उस वक्त जो तीथ आपके दिखते हैं उसको बोलते हैं सो तीथ, मतलब होता है ताकत का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वन इज टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है, भंडार, भंडार, और टेक का मतलब क्या होता है, लेना। टेक का मतलब विचार करना भी होता है, विचार करना, सोचना, ठीक है, विचार करना मतलब भंडार का विचार करना, भंडार का विचार करना, इसका मतलब क्या होगा, परखना, परखना कि कितना है कितना नहीं है, भंडार कितना है या कितना नहीं है, इस पर विचार करते हैं, परखते हैं, इसे कहते हैं टेक स्टॉक ऑफ। 129 में स्टैंड टू रीजन, मतलब रीजन मतलब कारण, स्टैंड मतलब अडिग रहना, कारण के प्रति, स्टैंड टू रीजन का मतलब कारण के प्रति अडिग रहना, मतलब जो कारण है उस पर अरे रहना। तो कारण पर अरे रहना का मतलब क्या हो गया, युक्ति संगत होना या तर्क संगत होना, ठीक है, तर्क संगत होना, तो इसे बोलते हैं स्टैंड टू रीजन, मतलब रीजन जो है वो सही है तो उसे क्या बोलेंगे, तर्क संगत या युक्ति संगत। नेक्स्ट वन इज बोन टू पिक। बोन का मतलब जानते हैं हड्डी, पिक मतलब चुनना। चार पांच डॉग्स हैं आपको दिख रहे हैं, आप वहां पे एक बोन फेंक दीजिए, जब बोन फेंकेंगे तो चार जो डॉग्स आपको दिख रहे हैं ये डॉग्स बोन की तरफ तो जाएंगे, लेकिन बोन से पहुंचने से पहले ही पहले अपने में फाइट करेंगे, लोग लड़ना शुरू कर देंगे, तो एक बोन के लिए ये सब लड़ना शुरू करते हैं, एक बोन को पिक करने के लिए आपस में पहले लड़ते हैं। बोन टू पिक मतलब होता है झगड़ा, बोन टू पिक मतलब झगड़ा। तो इस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेज में हमने कंप्लीट कर लिया, एट डिस्क्रेशन हिंदी होती है विचाराधीन या विवेकाधीन या बेसर्थ, रीड बिटवीन लाइंस बाल का खाल निकलना, गुर अर्थ निकालना, गुर मीन्स गुप्त होता है निकालना या समझाना, कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का क्रूरता भी कह सकते हैं, निर्दयता भी कह सकते हैं,
थोन अपसाइड, जी का जंजाल या कष्ट देने वाला, स्मेल अराइट, आशंका होना, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, सारांश, सो टीथ, ताकत का इस्तेमाल करना, टेक स्टॉक ऑफ रखना, स्टैंड टू रीजन, युक्ति संगत या तर्क संगत, बोन टू पिक, झगड़ा। अब एक कंप्लीट हो गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस। किसी को कुछ दिक्कत होगा आप कमेंट से पूछिएगा तो बताएंगे। नेक्स्ट वन इज टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने में इसका पहले डेफिनेशन हमें लर्न करना है, और डेफिनेशन इनके वर्ड्स में ही है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब पूर्ण, मतलब पूरा। तो वैसा एक्शन जो प्रेजेंट टेंस का है और पूरा है, पूरा हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि यह उस एक्शन के लिए यूज करते हैं इस टेंस को जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन कंप्लीट होने का प्रभाव अभी है, उसका इफेक्ट्स अभी है। जैसे देखिए, इफेक्ट्स का मतलब क्या है? जैसे मैं इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ा चुका हूँ जो अभी अभी कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेज भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो अभी भी आपके दिमाग में वो सब चल रहा है थोड़ा बहुत। कभी तो इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, तो 10 था उसमें, एक था जिसका एक्सप्रेशन दिया नहीं था, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, ऐसा कुछ करके, तो उसका प्रभाव है। तो इस तरह का जो एक्शन होगा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आई हैव मेड रोटी, मैंने रोटी बनाया है। तो मैंने रोटी बनाया है का मतलब है कि रोटी बनाने का काम तो कंप्लीट हो गया, ये काम कंप्लीट। लेकिन बनाने के बाद जो होता है, और हो सकता है कुछ स्वेटिंग हुई है, पसीना हुआ होगा, हो सकता है कि वो आपको हाथ वगैरह ठीक से वॉश करने होंगे, या हो सकता है कि किसी कोई और बोल रहे हैं कि दूसरा काम करो, तो आप कहेंगे मैं तो रोटी बनाने का काम कर चुका हूँ, है ना, ऐसा कुछ। बट वो काम आपको ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी ख़त्म हुआ है जिसका प्रभाव है। मीरा हैज फिनिश्ड फूड, मीरा ने फूड फिनिश कर लिया है, मेरा खाना बना चुकी है, खा चुकी है, मतलब एक कंप्लीट हो गया है काम। अब उसके बाद क्या होगा? मेरा को जो भी दूसरा काम करना, सोने जाना होगा, रात है तो सोने का होगा, ठीक है। सीमा हैज गॉन आउट, सीमा बाहर जा चुकी है। आई हैव पास द एंट्रेंस एग्जाम, मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका हूँ, तो पास करने का काम कंप्लीट हो गया, अब एडमिशन का बच गया है, तो प्रभाव बना हुआ है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1990s, मीरा हैज मेट मीना सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मतलब अनेक बार, ठीक है। तो इस तरह से वैसा एक्शन, दो चीज ध्यान रखना है, जो कंप्लीट हो गया और उसका इफेक्ट्स अभी है, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हिंदी में कैसे होता है? हिंदी सेंटेंस अगर होगा तो हिंदी सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, ऐसा होगा। और नहीं तो इसी में का आ, आ है, इधर का ई, ई है, ए है, ऐसे ही ए हो, ई हो, आ हो, ई हो, जो यहाँ मात्रा दिख रही है ना, जो वर्ण विच्छेद करते हैं आप, आ की मात्रा है तो यही आ है, तो रहेगा ही, जो मात्रा है वो मात्रा निकाल कर ऐसे कर देंगे। तो इस तरह का अगर होगा सेंटेंस के मेन वर्ब है उसके अंत में, तो वो होगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए रामपत्र लिख चुका है, तो यहाँ पे लिखना मेन वर्ब है और चुका है। अब राम ने पत्र लिखा है, यहाँ पे आ है की मात्रा है, तो इन ये दोनों सेम ही हैं, बस वही चुका है और यहाँ आ है, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो है, ये दिखाने के लिए एक साथ लिखा गया है। सीता पत्र लिख चुकी है, यहाँ पे ई है और यहाँ ने सीता पत्र लिखी है, यहाँ भी ई है, तो चुकी है और यहाँ पे ई है, ठीक है, ये हो गया। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, वे लोग पत्र लिखे हैं, तो ये सब हो गया आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। और भी तरीके बताएंगे याद रखने के, धीरे धीरे भूलेंगे नहीं किसी का, लेकिन जब सामने आ रहा है उस वक्त ध्यान रख लीजिए। तो तरीके जब इसके ट्रिक्स बताएंगे तो उस वक्त ट्रिक्स भी याद रखने से ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
तो जो सामने आ रहा है उसे आप माइंड में रखते जाइए। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको पता है किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो शुरू में होता ही है। यहाँ तो सोचना नहीं, कहाँ सोचना है, हेल्पिंग वर्ब सोचना है और मेन वर्ब सोचना है। हेल्पिंग वर्ब होता हैज या हैव में से कोई एक, और मेन वर्ब होता है वी थ्री। वी थ्री होता है मेन वर्ब, हमेशा वी थ्री ही रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर जगह। हैज हैव में जानते हैं, हैज है सिंगुलर, ए है सिंगुलर, और हैव है प्लुरल। हैव प्लुरल है मतलब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, साथ में आई और यू के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, ये आप जानते हैं। तो जो सेंटेंस थे उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। राम ने पत्र लिखा है, तो राम राम सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। लिखा है, लिखना है, तो लिखना का थर्ड फॉर्म जो राइट होता है उसका थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, और पत्र और लेटर, ऐसा कर देंगे राम ने पत्र लिखा है। सीता पत्र लिख चुकी है, तो यहाँ पे सीता हो जाएगा, फिर यहाँ भी हैज हो जाएगा, यहाँ भी रिटेन हो जाएगा और लेटर चलेगा। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, यहाँ पे हो जाएगा दे, दे प्लुरल है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन दे है तो यहाँ पे लेटर्स कर देते हैं। तुम पत्र लिखे हो तो ये हो जाएगा यू हैव, यू के साथ हैव होता है ना, देखिए यहाँ पे यू हैव रिटेन अ लेटर हो गया। मैं पत्र लिखा हूँ तो इस जगह आई, आई के साथ भी हैव होता है, आई हैव रिटेन अ लेटर। इस तरह से हमने आज कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी बेसिक्स होता है। बेसिक्स में क्या किया आपने, डेफिनेशन देखा है, डेफिनेशन क्या है, फिर इसका आपने आइडेंटिफिकेशन देखा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी सेंटेंस के माध्यम से, और फिर आपने स्ट्रक्चर देखा। भूलना नहीं है कुछ भी। क्लास कंक्लूड्स, थैंक यू वेरी मच।